रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। तीन स्कूली छात्राओं पर हुए एसिड हमले के बाद शिक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है और हमीरपुर जिला के ऊटपुर स्कूल में एसिड हमले के बाद कार्यकारी शिक्षा उपनिदेशक अजय पटियाल ने भी स्कूल में जांच की है। तो हमीरपुर के ऊटपुर स्कूल में छात्राओं के ऊपर एसिड मामले को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाया गया। अस्पताल में पहुंची छात्राओं ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात बयान की है और इस बात का खुलासा किया कि छात्र ने शरारत के चलते पूरी योजना के चलते एसिड फेंका था। तीन स्कूली छात्राओं पर हुए एसिड हमले के बाद शिक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है और हमीरपुर जिला के ऊटपुर स्कूल में एसिड हमले के बाद कार्यकारी शिक्षा उपनिदेशक अजय पटियाल ने भी स्कूल में जांच की है। तो हमीरपुर के ऊटपुर स्कूल में छात्राओं के ऊपर एसिड मामले को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाया गया है। अस्पताल में पहुंची छात्राओं ने पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात बयान की है और इस बात का खुलासा किया है कि छात्र ने शरारत के चलते पूरी योजना के चलते एसिड फेंका था। पीड़ित छात्रा शिवांगी ने बताया कि प्रैक्टिकल के बाद शरारती छात्र पर कुछ लड़कियां हंस रही थी और छात्र ने इस तरह हंसने की बात पर छुट्टी के समय चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिससे चेहरे पर जख्म बन गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में छात्र कह रहा था कि छुट्टी होने पर एसिड फेंकूंगा। प्रैक्टिकल लगा था, 20 बच्चों का सुबह हो गया था, उसके लंच के बाद जितने बच्चे बचे थे उनका होने वाला था। फिर कुछ लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी, उसको लगा कि मेरे ऊपर हंस रही, वो अपनी बातों पे हंस रही थी। जब छुट्टी का टाइम होने वाला था तो उसने दूसरे बच्चों के साथ बोला कि जब 2-3 मिनट बचेंगे तो उसके ऊपर वो फेंक देंगे, मतलब उसका चेहरा खराब कर देंगे हम पूरे। तो उस तरफ थी नहीं मैडम भाई, वो ले रहे थे बच्चों का, उसके बाद उसने लिया दूसरे बच्चों के हाथ से छीन लिया और उसने मुंह के ऊपर फेंक दिया। प्रियंका ठाकुर ने बताया कि स्कूल से जा रही थी कि अचानक ही छात्र ने एसिड फेंक दिया और चेहरे पर निशान पड़ गए। उन्होंने बताया कि एसिड फेंकने के बाद अध्यापक अस्पताल में ले आए जहां पर उपचार करवाया गया है। मैं पल्लीदल से आ रही थी तब अचानक वो जाते जाते उसने न मेरे ऊपर फेंक दिया था एसिड वगैरह। तब लगा नहीं पता, फिर हमें हॉस्पिटल लेके चले गए सर। गौरतलब है कि शनिवार शाम के समय ऊटपुर स्कूल में एक छात्र ने तीन छात्राओं के ऊपर एसिड फेंक दिया था और इस कारण छात्राओं को जख्म पड़ गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और पड़ताल शुरू कर दी है।